आइए, इनका नाम है विजय, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, और ये भी बता दूं, इनकी एक लवर भी है। चलिए उनकी भी पहचान करवा देता हूं। ये हैं, इनका नाम है स्नेहा, दिल की नरम और जबान की कड़क, और ये हैं हमारे चंदू, दिल का बुरा नहीं है लेकिन लाइफ को सेटल करने के लिए इस एरिया के एमएलए की बेटी को पटाकर प्यार कर रहे हैं। इसका नाम है पूजा, मैंने कहा था ना लोकल एमएलए की बेटी। इसके पिता इस पर जान छिड़कते हैं लेकिन इन्हें इनका लवर चंदू जान से ज्यादा प्यारा है। इसका नाम है नित्या, सब लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं लेकिन ये अपने बॉयफ्रेंड को भगवान मानकर उनकी पूजा करती हैं। ओहो सॉरी सॉरी, बताना भूल गया, इनका भी एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है सूर्या, बिल्कुल हमारा अप्पू, मतलब पुनीत का फैन यार। फ्रेंड्स लोगों को जरा भी तकलीफ होती है तो वो वहां पहुंच ही जाता है, लेकिन इस वक्त वो कहां है ये हमें नहीं पता, वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। चल निकल बाहर, चलो ले क्या उसे। चुप कर चल। ले आए भाई। ए, मेरे बेटे को पब्लिक में चप्पल से मारा तूने, अब उसी से तेरी शादी कराऊंगा। डीजल रुक जाओ। कौन है बे तू? आंखों में वारंट, वर्क में वॉयलेंट, पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपना फैन बनाने का टैलेंट, पावर स्टेशन को पावर देने वाला पावर स्टार का फैन हूँ, ये सूर्या। उसका फैन है तो हमको मार देगा क्या? ये अपन का एरिया है, चल फुट ले यहाँ से। चार लड़कों को लेके अपनी गली में खड़े होके उसे अपना एरिया कहने के दिन चले गए, ना मर्द लोग ही ये सब करते हैं समझे। दिखने में तो अमूल लग रहा है तू, और अंडरवर्ल्ड की तरह बोल वचन। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाकर कमजोरों पर जुल्म ढाकर जो कहते हैं कि हर गली में हमारी हवा चलती है, मर्द नहीं होते। एक बात समझा देता हूँ, हर इंसान के हार्ट में चार चीजों के लिए जगह होती है, प्यार के लिए, इंसाफ के लिए, दुश्मनी और हिम्मत के लिए। हम भाई के चाहने वालों में ये चारों चीजें पहले से मौजूद हैं, तुम लोगों में सिर्फ दम है, लेकिन मेरे जैसा दम वाला मर्द
अगर एक पंच मारेगा ना, एक साल लगेगा बिस्तर से उठने को। ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसकी बोलती बंद करो। कौन 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 कौन? पावर स्टार पुनीत का फैन। नहीं, इसके लिए हमारे गुरु ही सही हैं। वो ही सब ठीक करेंगे। गुरु, गुरु, गुरु। ज्यादा मत अकड़ो। अब ये क्या है? गुरु, उस लड़की ने मुझ पे हाथ उठाया। मेरे होते हुए मेरे दोस्त के ऊपर एक लड़की ने हाथ उठाया? बाप रे, ये क्या हो गया? ए, उसे यहाँ बुला। यही है। वाह वाह, कितनी खूबसूरत है। किस मोटू के पीछे पड़ गई? अगर ये मुझे मिल जाती ना, तो इसे कैच पकड़ के इसके साथ मैच खेल लेता। गुरु, ए, तूने मेरे दोस्त पे हाथ कैसे उठाया? हाँ। दिल कर रहा है एक और दूं। तो फिर सोच क्या रही हो, दे दो उसे। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि उसे अपना दिल दे दो। मेरा मूड नहीं है। वैसे भी मोटू को देख के कैसे मूड बनेगा? अब मूड बनता नहीं है, मूड बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। मतलब ए, देखो, एमजी रोड में, ब्रिगेड रोड में पिज्जा बर्गर, अरे जगह जगह मिलता है, समझी? सी, इतना ही नहीं, फुटपाथ से पतीला भर भर के स्नैक्स लेकर और थिएटर हॉल में कॉर्नर की सीट पकड़कर तुम फिल्म देखती थी। अरे इतना ही नहीं, शॉपिंग करने के लिए स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, क्या कुछ नहीं खरीदवाया तुमने इससे। ये स्कर्ट वही है ना?
हाँ स्लीपर वही है ना, इसके साथ साथ ये लाली पाउडर ये सब मेकअप की चीजें। अरे इतना ही नहीं, हफ्ते में चार दिन पार्लर जाकर अपने मुंह पे पेंट लगा दी थी तुम, और उसके साथ सुनसान जगह में जाके बैठ कर उससे अपने पार्लर का सारा बिल भरवाती थी तुम, और अब कहती हो कि मूड नहीं है। हाँ अरे तुम्हें पता नहीं है, तुमसे प्यार करने से पहले इसके आठों उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी, गले में चैन, हाथों में ब्रासलेट पहनता था, अरे इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे रहते थे, पता है। तुमसे मिला और देखो इसकी कैसी हालत हो गई है। भाइयों मेरी बात सुनो, जब तक लड़कों के जेब में पैसे होते हैं ना, तब तक ये लड़कियां पीछे पीछे घूमती है, और जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं ये लड़कियां भाग जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे दोस्त को देखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो जानू? ए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तुम मेरे सामने मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड को पटाके ले जा रहे हो। हाँ तुमने मुझे क्या कोई कॉमेडी पीस समझ के रखा है? ए, मैं इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं इसे नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। गुरु मैं पे कर चुका हूँ, चाहे तो कल तुम बुक कर लेना। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अरे सुन त्रिमुखी।